हेलो गाइस, आपने बहुत सारे नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी देखी होगी। इन्हीं में से एक है नंदौर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जहां आज हम जा रहे हैं। दोस्तों, ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पड़ती है हल्द्वानी नैनीताल में। यहां आने के लिए दोस्तों आपको सबसे पहले चोरगलिया की नंदौर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में आना पड़ेगा, जहाँ से आपको एंट्री होगी जौलसाला रेंज के लिए। और यहीं पड़ता है भारत का सबसे चौड़ा पेड़, तो आपको ले चलते हैं नंदौर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो अभी हम हैं जंगल सफारी में नंदौर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, और ये हमारे हैं मित्र लोग। तो हम जा रहे हैं महावृक्ष या जंपिंग ट्री जिसे बोलते हैं यहाँ। तो ये एशिया या भारत का आप कहिए सब में चौड़ा पेड़ है, तो ये देखने जा रहे हैं। देखते हैं कितना टाइम लगता है। अभी फिलहाल सफारी में यहाँ से 28 किलोमीटर की दूरी पर इसलिए थे, देखते हैं कि कैसा रहता हमारा ट्रिप, और दिखाएंगे आपको महावृक्ष या चंपी। तो दोस्तों, आप ये देख सकते हैं बहुत ही सुंदर जंगल सफारी का, यहाँ आनंद भी आप ले सकते हैं। और ये एक कॉर्बेट के ऑप्शन के रूप में भी आप इसे देख सकते हैं, क्योंकि कॉर्बेट में बहुत ज़्यादा रश रहता है, भीड़ रहता है। तो आपको अगर वाइल्ड लाइफ देखनी है तो भी आप नंदौर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में आ सकते हैं। बाकी डिस्क्रिप्शन आपको नीचे मिल जाएगा। दोस्तों, अब हमने सफारी छोड़ के ट्रैक कर रहे हैं, जो कि लगभग 1 किलोमीटर का है उस पेड़ तक पहुँचने के लिए। तो दोस्तों, फाइनली पहुंच चुके हैं उस जगह जहां हमने आना था। ये है शिमल का भारत का सबसे चौड़ा पेड़, जो कि है 62 फीट चौड़ा। तो आपको दिखाते हैं शिमल का पेड़। फाइनली पहुंच चुके हैं उस जगह जहां हम आने वाले थे। ये है नंदौर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और यहां है ये शिमल का सबसे चौड़ा पेड़। और ये देखिए बहुत चौड़ा है, नाप भी नहीं सकते इसे। ये है शिमल का पेड़, जो कि भारत या फिर एशिया का सबसे चौड़ा पेड़ है। देखो, नाप ही नहीं सकते इसकी चौड़ाई, इतना ज़्यादा चौड़ा है। देखिए बहुत ही बड़ा पेड़ है। तो ये है नंदौर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर, जो जौलसाल करके रेंज आती है उसके अंदर है। तो अगर आपको भी आना है तो आप आ सकते हैं। यहाँ की बाकी डिटेल मैं आपको वीडियो में बता दूँगा। और ये है सबसे बड़ा पेड़ जौलसाल रेंज में नंदौर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो कि पड़ती है नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में। तो आप आ सकते हैं। देखिए सत्यम इसमें अपने को नाप रहा है, लेकिन ये कुछ भी नहीं है। देखो ऐसे बहुत सत्यम चाहिए इसे नापने के लिए, और बहुत ज़्यादा चौड़ा पेड़ है ये। तो ये है शिमल का चैम्पियंस ट्री या महावृक्ष इसे बोला जाता है। ये है शिमल का जो पेड़ था, जो वेबसाइट वगैरह में इसकी नाप थी वो 54 फीट के आसपास थी, और अब मैं अभी इसे फीते से नापा है तो ये 64 फीट दिखा रहा है, क्योंकि जो इसकी नाप हुई थी 2014 में हुई थी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के तहत। और अब जो यहाँ हमारे साथ आया है फॉरेस्ट वाले भैया, तो बता रहे इतनी इसकी चौड़ाई हर कोने से बढ़ गई है, लगभग 1.5 फीट। तो ये 8 फीट के आसपास और चौड़ा हो चुका है। तो ये है महावृक्ष, जो कि पड़ता है, मैंने आपको बताया, नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में। तो अगर आप हल्द्वानी नैनीताल आसपास कहीं रहते हो तो आप आ सकते हो और ये देख सकते हो। इसके लिए आपको यहाँ की जीप सफारी करनी पड़ेगी, और उसके बाद ये मिलता है महावृक्ष, जो कि पड़ता है नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में। ये है शिमल का महावृक्ष, जो कि पड़ता है नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में, और 64 फीट चौड़ा ये पेड़ है नंदौर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में जौलसाल रेंज के अंतर्गत। तो आपको बताइएगा कि कैसा लगा ये वृक्ष। और अभी हम आपको नंदौर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी दिखाएंगे, मछली वन वगैरह सारी चीज़ें दिखाएंगे। तो अगर आपको ये व्लॉग पसंद आए तो आप मेरे चैनल को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। फिलहाल ये है नंदौर का वाइल्ड लाइफ। तो ये था महावृक्ष जो पड़ता था नंदौर में, और अब हम यहाँ से जा रहे हैं जो नंदौर का हमारा म्यूज़ियम है, और मछली वन करके एक जगह है, और जो यहाँ का गेस्ट हाउस है नौसाला रेंज का, वहाँ भी कुछ चीज़ें हैं और वो सब आपको दिखाते हैं। तो बताइएगा आपको कैसा लगा ये वृक्ष। ये देखिए बहुत बड़ा, बहुत चौड़ा वृक्ष है। तो ये देखने हम आए थे आज नंदौर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो आप भी आइए एक बार, अवश्य ज़रूर इसका विजिट कीजिए। तो मिलते हैं आगे नंदौर का जो एक गेस्ट हाउस है यहाँ जौलसाल का, वहाँ जाते हैं और थोड़ा खाना वगैरह करेंगे, उसके बाद जाएंगे हम वापस नंदौर जो मेन है, जहाँ मछली वन वगैरह है, वो देख के फिर हल्द्वानी को जाएंगे। आ चुके हम बाहर। ये हमारी खड़ी है सफारी,
तो यहाँ से हमने स्टार्ट किया ट्रैक और ये है जीप की सफारी का रूट, और यहाँ से अंदर को जाना पड़ता है इस पेड़ के लिए। तो यहाँ से हम अंदर गए थे, अब हम वापस जाएंगे जौलसाल रेंज में, FRH है जो, वहाँ हम थोड़ी देर रुकेंगे, खाने वगैरह खाएंगे, फिर हम जाएंगे आगे को। तो बताइएगा कैसा है ये फॉरेस्ट और कैसी है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, आप बता सकते हैं। ये है FRH फॉरेस्ट रेस्ट हाउस जौलसाल का, और काफ़ी पुराने है, 1923 का है, तो 100 साल पूरे हो चुके हैं पिछले साल इसे। और देखिए बहुत ही बढ़िया व्यू है फॉरेस्ट के अंदर, तो एक ये भी यहाँ देखने के लिए जौलसाल का फॉरेस्ट रेस्ट हाउस है ये। और ये देखिए यहाँ आप रुक सकते हैं, अगर आप फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में या उनके रिलेटिव हैं तो आप यहाँ पर्ची कटा के हल्द्वानी से यहाँ रुक सकते हैं। ये फिलहाल हमारा खाना ओपन हो रहा है, तो सुबह सुभ सुबह 4 बजे वाले हैं जबरदस्ती करके ये खा रहे हैं हम। और ये है गेस्ट हाउस, यहाँ भी आप आ सकते हैं बाकी अगर आपको आना है। तो दोस्तों ये हम वापसी करने लगे हैं, और वापस हम जाएंगे नंदौर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि मेन ऑफिस है नंदौर में, और वहां से हम जाएंगे मछली वन और बटरफ्लाई जोन आपको दिखाते हैं। ये है बटरफ्लाई जोन जो कि पड़ता है नंदौर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, और देख सकते हैं आप ये भी, और आगे है मछली वन वो भी आपको दिखाते हैं। यह है बटरफ्लाई जोन, और ये देखिए अलग अलग स्टेट बटरफ्लाई इंडिया ऑफ इंडिया इस टाइप से काफ़ी चीज़ें यहाँ बनाई हुई हैं नंदौर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। अगर आप बटरफ्लाई जोन में आते हैं, ये देखिए हाथी वगैरह भी बनाए हुए हैं यहाँ पर, और काफ़ी चीज़ें हैं। तो अगर आप बटरफ्लाई जोन में, अगर आपको बटरफ्लाई देखनी है, आप समर के सीज़न में यहाँ आ सकते हैं, और काफ़ी सुंदर है ये। तो अब इसके बाद हम जाएंगे मछली वन की ओर और दिखाएंगे आपको कैसा है मछली वन। फिलहाल अभी हम हैं बटरफ्लाई जोन में, मैं मछली वन में, और मैं आपको बताता हूँ कि क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पर, और ये स्टार्टिंग पॉइंट है इसका, और मैं दिखाता हूँ आपको कि मछली वन में क्या क्या है। हमें मछली वन में ये देख रहे हैं आप, ये डाट बनी हुई है और नदी इतने नीचे है, तो पहले जब नदी का जो स्तर होगा यहाँ कहीं पर होगा, और यहाँ से पानी की सिंचाई के लिए जाता था, और अब नदी नीचे हो गई है, और जो आगे आप देख रहे हैं वो डाट है जो आप को मैं जूम करके दिखाता हूँ। ये देखिए ये लाइन टाइप की आप देख रहे हैं, यहाँ पर से पानी जा रहा है सिंचाई के लिए नीचे को। तो ये एरिया है मछली वन जो कि पड़ता है नंदौर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, और अभी हम यहाँ भी आए थे, मैंने कहा आपको ये भी दिखा दूँ। तो ये है मछली वन वाला एरिया, यहाँ बैठने वगैरह के लिए लोगों के लिए विश्राम गृह बनाए गए हैं, और ये है डाट यहाँ की जो पानी सप्लाई हो रहा है नीचे को, ये आप देख सकते हैं ये पानी सप्लाई हो रहा है, ये है डाट। और इसकी सफाई के लिए यहाँ पर ढक्कन वगैरह लगाए गए हैं, इसके नीचे सीढ़ियाँ हैं, और सीढ़ियों से आप नीचे जाके इसकी सफाई वगैरह करते हैं यहाँ के लोग। तो ये पानी के लिए एक डाट बनाई गई है जो कि मछली वन नाम से फेमस है, और इसके चक्के ऊपर नीचे करके डाट को खुला और बंद किया जाता है यहाँ से, और ये नीचे लोगों के नहाने के लिए यहाँ पर नदी है। तो ये नंदौर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में है, तो आप भी यहाँ आ सकते हैं। बताइएगा कैसा लगा आपको मछली वन वाला एरिया, ये है मछली वन वाला एरिया। पहले आ चुके हैं मछली वन से बाहर, और ये है नंदौर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का गेट। तो दोस्तों ये था हमारा आज का अनुभव जो मैं आपको बता रहा था। तो अगर ये चैनल को आपको पसंद आया होगा ब्लॉग, तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को। मिलते हैं इसी तरीके के नए ब्लॉग के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।